हाँ, इस बीच में देखें कि स्केलिंग क्या है। स्केलिंग में जस्ट उसका साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ठीक है। ओके, जैसे कि सपोज ए आपका साइज है, इससे आप ए कर सकते हो और इससे आप ए कर सकते हो। मतलब स्केलिंग मतलब उसका साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि कुछ नोट। टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज और ऑब्जेक्ट, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड। मतलब कोई भी इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करने में हम क्या यूज करते हैं, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। ओके, तो स्केलिंग कहाँ पर यूज होता है, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करने में, ठीक है। इन स्केलिंग प्रोसेस योर यू आइदर एक्सपैंड और कॉम्प्रेस द डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो स्केलिंग प्रोसेस में क्या होता है, आइदर आप ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं और कॉम्प्रेस कर सकते हैं। मतलब पहले पॉइंट में बोला गया कि हम ऑब्जेक्ट के साइज चेंज करने के लिए यूज करते हैं स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट पे बोला गया कि हम स्केलिंग अप्लाई करके साइज ऑब्जेक्ट का साइज एक्सपेंड मतलब बड़ा कर सकते हैं, कॉम्प्रेस मतलब छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्केलिंग के थ्रू क्या करेंगे, आइदर साइज को एक्सपेंड करेंगे और कॉम्प्रेस करेंगे, ठीक है। तो स्केलिंग ए होता है एक्स, ए होता है वाई। ओके, ये तो आप लोग सभी को पता है। ओके, तो स्केलिंग फैक्टर ए सिक्स एंड एस वाई। ओके, जैसे कि इसका स्केलिंग मतलब कितना चेंज हुआ, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर मतलब कितना चेंज हुआ, तो स्केलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम आइदर एक्सपांड कर सकते और कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो स्केलिंग के थ्रू हम एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं और कोई भी चीज़ को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, ये होता है ए सिक्स एंड ए सिक्स वाई। ए सिक्स मतलब एक्स एक्सिस बराबर कितना चेंज होगा एंड वाई एक्सिस बराबर कितना चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं कि एस वाई। ओके ओके, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स इंटू एस एक्स एंड वाई डैश इक्वल टू वाई इंटू एस वाई। जैसे कि यहाँ पर आपका एक्स था, यहाँ पर वाई था, तो चेंज होने के बाद और भी थोड़ा बड़ा हो गया, लाइक ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्स, यहाँ पर वाई। ओके, तो आपका एक्स एंड वाई चेंज चाहिए आपको, एक्स डैश वाई डैश प्रीवियसली आपका था। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका पी एक्स वाई था, इसके बाद एक बड़ा पॉइंट बनाया अपना, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट बहुत सारे है। तो अपर कोऑर्डिनेट ही देख लेते, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो इसलिए अब एक छोटा पॉइंट है, इसको आप बहुत बड़ा पॉइंट किया, ठीक है। इस पॉइंट में आपको बहुत सारे एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे मिल जाएगा। तो हम अपर पॉइंट को देखते, तो अपर पॉइंट अगर देखा तो इसका एक्स डैश एंड वाई डैश है, ठीक है। तो एक्स डैश वाई डैश आपको क्या मिलेगा, जैसे कि एक्स डैश एंड वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू एस एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई इंटू एस वाई। तो एस एक्स एंड एस वाई हमने बोला था कि ए है स्केलिंग फैक्टर, एक क्वेश्चन में गिवेन होगा और आपको इसे आसानी से निकलना भी आ जाएगा, क्योंकि एस इक्वल टू एस एक्स जीरो जीरो एस वाई। ओके, ये होता है आपका स्केलिंग फैक्टर का मैट्रिक्स। ओके, तो स्केलिंग फैक्टर का मैट्रिक्स क्या होता है, एस एस वाई स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एस एक्स एंड एस एस वाई, ठीक है, एस एक्स जीरो जीरो एस वाई। ये है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। ओके, तो एस एक्स मतलब स्केलिंग ऑन वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस एंड एस वाई मीन स्केलिंग
स्केलिंग ऑन वाई एक्सिस। ओके, तो एस से एक्स वन इक्वल टू एक्स इंटू एस एक्स, वाई वन इक्वल टू वाई इंटू एस वाई। ठीक है, तो प्रीवियसली आपका था एस एक्स वाई, उसका चेंज होने के बाद, मतलब साइड चेंज होने के बाद आपका होगा एक्स डैश वाई डैश अपर पॉइंट। ओके, तो आपका एक्स डैश वाई डैश क्या होगा, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एक्स डैश एंड वाई डैश का, तो एक्स एक्स वाई इंटू स्केलिंग। ठीक है, ओके, एक्स वाई इंटू जो मैंने बोला स्केलिंग कर टू एस एक्स जीरो जीरो एस वाई। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्केलिंग। तो बेसिकली स्केलिंग मतलब क्या होता है, स्केलिंग को हम साइज चेंज करने में यूज करते हैं। ठीक है, एंड स्केलिंग इज ए प्रोसेस आइदर एक्सपांड और कॉम्प्रेस। ठीक है, तो स्केलिंग के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, पर उसका साइज को, ठीक है, आइदर बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्केलिंग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रांस रोटेशन क्या है। ओके।